क्या तुम लोग भी पढ़ाई कर रहे हो? एमए बीटेक टीटेक भाई छोड़ दो, कोई स्कोप नहीं है। लेकिन नहीं हो रहा, खुद देख लो। सूर्यवंशी, ये है इंडिया का यंगेस्ट बाबा श्री अविनान अरोड़ा। जिस उम्र में तुम लोग लॉलीपॉप चूस रहे थे ना, उस उम्र में ये 9 लाख लोगों को लॉलीपॉप चुसा चुका है। जिस उम्र में तुम लोग डायपर पहन के घूमते थे, उस उम्र में ये जेट प्लस सिक्योरिटी में घूम रहा है। जो लौंडा खुद की अपनी चैन से पेंसिल नहीं निकाल सकता, वो लोगों को मोम माया से निकालने की बातें कर रहा है। बच्चे बड़े हो जाते हैं। सब लोग मंदिर में अपना दुख और दर्द काटने जाते हैं, लेकिन ये लौंडा साथ में कैमरामैन लेकर तुम्हारा काटने जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे, भाई सबको हिंदू धर्म से प्रॉब्लम क्यों है? देख भाई, भक्ति एंड अनभक्ति और ओवर एक्टिंग में फर्क होता है। एक बार हमारी रामर से बात हुई, बात फोन कॉल पर। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, उसको रगड़ते हैं चेहरे पर, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। ऐसे ओवरएक्टिंग लोगों के असली चेहरे दिखाने वाला हूँ, और वीडियो को बिना पूरा देखे कमेंट सेक्शन में कुछ भी अनाप शनाप बकनी मत चले जाना। लोगों के पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रहा है, लोग डिप्रेशन और टेंशन में जा रहे हैं, तो लोग ऐसे लोगों के पास जाने के लिए और पुश हो जाते हैं, और यहीं से स्टार्ट होता है असली गेम। एक इंसान या गरीब या फिर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है ना, तब उनके पास प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। तो आपके पास पैसे नहीं है तो प्रॉब्लम बढ़ेंगे, और प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं और आपको पता नहीं है कि प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करना है, और डेली आप खाना भी अच्छा नहीं खा रहे हो, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारी आपके शरीर में हो जाती है। और जब एक एक करके सारा समस्या एक इंसान को पकड़ लेता है, तो उस टाइम में क्या करना चाहिए उस इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो डर जाता है, वो चाहता है कि मेरा प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर दे, और ठीक इसी चीज का फायदा उठाते हैं हमारे ग्राउंड पर एंड बाबा एंड मौलाना। ये गंभीर से गंभीर बीमारियों का पानी में फूंक मार कर इलाज करता है, अगरबत्ती घुमाकर हर रोग को छू मंतर करने का पाखंड करता है। इस्लाम हुसैन और जनाब का पेशा है ये लोगों को थप्पड़ मारकर, उनके बाल खींचकर और धक्का देकर प्रेत बाधा दूर करने का दावा करता है। मौलाना ने एड्स और कैंसर तक का इलाज कर दिया है। अगर आप इंडिया के विलेज में जाओगे तो आपको हर एक सिंगल गांव पर, हर एक गली पर बाबा जी बैठे हुए मिल जाएंगे। मोस्टली ये आपके मजबूरी के फायदा उठाने के लिए बैठे होते हैं। अब ये सारे लोग बुरे नहीं होते, बट ज्यादातर लोग आपसे पैसा ऐंठने के लिए ही बैठे होते हैं। So, ऐसे ही मेरे दोस्त सूरजीत को पता चला कि एक बाबा है और वो भगवान से बातें करते हैं, और ये कंटेंट भी मैं उसी से एक्सपायर होकर बना रहा हूँ, आधा स्क्रिप्ट उसी का ठोका हुआ है। तो पहले आप वीडियोस देखो भगवान से कैसे बातें करते हैं। ओके, तो आज हम आ गए हैं मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर एक गांव में। अरे ट्रेन आ गया। 50 किलोमीटर दूर एक गांव में यहां पे एक बाबा जी है जो भगवान से बातें करते हैं। पूरे रास्ते पर हम लोग पता पूछते पूछते फाइनली बाबा जी के घर पर पहुंच गए। लेफ्ट साइड पे उनका असली घर है जहाँ पर उनका फैमिली रहता है, और ये जो एरिया है यहाँ पे बाबा जी पेशेंट्स देखते हैं। ये गेट के अंदर बाबा जी है और वो रेस्ट कर रहे हैं। हमें यहाँ पर आके पता चला कि बाबा जी का गेट अभी खुलने ही वाला है, और ये जो अंकल यहाँ पे बैठे हैं ये भी बहुत दूर से आए थे। मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि ये कैमरा जो मैंने फिट कर रखा है ना, ये अगर किसी को दिख गया तो हम पकड़े जाएंगे और हमारी पूरे गांव में ऐसी पिटाई होगी ना भाई, सोच भी नहीं सकते हम। और इतने में बाबा जी का गेट खुला। I was little bit nervous about कि बाबा जी हमारा कैमरा ना देख ले, बट फाइनली बाबा ने नोटिस नहीं किया एंड ये अंकल पहले अंदर गए। उनको लगता है कि उनकी बीवी खाने के साथ कुछ दवाई वगैरह मिलाकर उनको मारना चाह रहा है, और ये बहुत सालों से चल रहा है। और ये बाबा जी के पास आते हैं, बाबा जी एक मटकी उनके पेट के ऊपर लगाकर उसमें पानी भरकर वो दवाई चमड़े के ऊपर से ही निकाल लेते हैं। और ये आदमी अभी अभी आया था, ये गांव का ही आदमी है और बाबा जी का खास आदमी है। ये आज तो हम डायरेक्ट बाबा जी के घर पर आ गए हैं, क्योंकि आज के दिन पर बाबा जी कहीं पर नहीं जाते हैं, घर पर ही रहते हैं और घर पर ही दवाई देते हैं। ये देख सकते हो उनके बेड के नीचे कितना मटेरियल पड़ा है। बाबा जी को बहुत सारी जगहों पर बुलाया जाता है और हजारों लोग आते हैं उनके लिए, और ये भी मदद करता है उसमें। अब इस अंकल के मटके में वो दवाई निकालने की बात करें तो ऑफकोर्स इस स्कैम गोइंग ऑन हियर। बाबा जी ने मटका उनके पेट में लगाते समय मटके में कुछ डाल दिया था, और ये देख सकते हो ये निकला है उनके पेट से, स्किन सब के ऊपर से निकला है। ये क्लियरली बेड के नीचे वाला मटेरियल है जो कि पेड़ की जड़े और मिट्टी वगैरह है। अब इन सब के बाद मेरी बारी आई। मैं यहाँ पे थोड़ा सैड दिखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे हुआ है कैंसर, एंड लाइक अदर पीपल आई एम नॉट ऑल्सो हैप्पी विद माई लाइफ। मेरे बैठते ही बाबा जी ने मेरे से नाम पता घर पे कौन कौन है सब पूछ लिया, और मैंने सब झूठ बता दिया। फिर बाबा ने वहाँ से कुछ जड़ी बूटियाँ हाथ में उठाकर मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। फिर मेरे को दो दवाई दिया गया, एक मुझे सुबह खाने से पहले खाने को बोला गया, और एक मुझे हेट के बीचों बीच हर दिन थोड़ा सा लगाने को बोला गया। मोस्ट लाइकली वो सिंदूर टाइप कुछ था। आई वाज लाइक, फिर बाबा जी ने इस चीज के मेरे से 500 रुपए मांगे।
मैं बोला बाबा जी गरीब आदमी हूँ, 500 रुपए थोड़ा सा कम कर लो। फिर 400 रुपए में वो दवाई मुझे दिया गया। मैं कहा भाई मेरे 400 रुपए तो गए। फिर इतने में कुछ 10-12 यंग लड़कियां बाबा जी के पास आ पहुंची। मतलब ओल्ड एज लोग तो आते ही हैं, हम जैसे यंग लड़के लड़कियां भी आ रहे हैं। आई मीन व्हाट द हेक इज रॉन्ग विद देम। मैं कहा चलो निकलते हैं यहाँ से। बाबा जी का प्रसाद मिल गया, अब मेरे जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। बाबा जी ने हमें कैंसर दिया दी। कैंसर की दवाई बड़े बड़े डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स किसी के पास नहीं है। मैंने बाबा जी को बोला मेरे को दवाई दीजिए कि इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और बाबा ने बोला सब ठीक हो जाएगा, तुम ये दवाई ले जाओ। उन्होंने मेरे को इस चीज़ के 400 रुपए लिए। उन्होंने बोला आपको कुछ नहीं होगा, गाय का मूत्र बचाता है। आओ खोल के देखते हैं क्या है। अरे भाई ये क्या है, ये वो नहीं है, एक कटहल का पत्ता नहीं है ये। मैं स्पीचलेस हूँ, क्या ही बोलूँ। ये चार और भी है, और भी रखो तो ये देख लो, ये सिंदूर नहीं है, इसका 400 रुपया लिया गया है। तो देखा आपने, वैसे वो गरीब होते हैं और ना जाने कितने पैसे इन चक्रों में बर्बाद कर देते हैं। जो सही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए वो नहीं करवाते, और इस वजह से ऐसे लोगों के पास जाते हैं और उन्हें फील करवाते हैं कि भाई हमसे तो पावरफुल कोई भी नहीं है। बट कुछ अच्छे बाबा भी होते हैं, काम करते हैं सही, वो आज की दुनिया में 1-2% में बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेंगे। बट आज की डेट में जो ज्यादातर बाबा है वो इतनी बड़ी क्राउड को एक गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, लाखों पब्लिक को अपने सामने बैठा कर मिसलीड करते हैं। लिटरली सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में, हम नागालैंड गए थे, नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहाँ गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था। तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में, नागालैंड इत्यादि, मिजोरम इत्यादि में, पूर्वी क्षेत्र है ना वो, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। एक बारी के लिए अरुणाचल प्रदेश बोल भी देते तो मैं मान लेता, इंडिया में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। बट इनके हिसाब से दुनिया में सबसे पहले सूर्योदय इंडिया में होता है और नागालैंड में होता है। अरे बच्चा बच्चा जानता है दुनिया में सूर्योदय सबसे पहले जापान में नहीं होता, और टेक्निकली देखा जाए तो सूर्योदय कभी होता ही नहीं है क्योंकि शाम हमेशा चलते रहता है। पृथ्वी एक वेस एस घूमते हुए इंटरनेशनल डेडलाइन दुनिया में रखते हुए जिस भी कंट्री में पहला लाइट पड़ता है तो वहीं पर ही सूर्योदय सबसे पहला माना जाएगा। और इंटरनेशनल डेडलाइन के आसपास जो कंट्री है उसका नाम है कारीबाग। ये एक छोटा सा कंट्री है, दुनिया में सबसे पहले सूर्योदय यहाँ होता है। यहीं पर ही देख लो लाखों लोग बैठ के, उनमें से 30-20 हजार बच्चे ही होंगे। तो उन्होंने क्या सीखा, सबसे पहले सूर्योदय इंडिया में होता है। और यहाँ से फैलता है एक गलत इन्फॉर्मेशन, इन लोगों ने इतना कचड़ा फैला कर रखा हुआ है ना। अगर मैं इस वीडियो में बताने के लिए आ जाऊँ तो 20 मिनट का वीडियो 3-3.5 घंटा का कभी खुशी कभी गम मूवी बन जाएगा। एक बार हमारी रामर से बात हुई, बात फोन कॉल पर। हमने कहा क्यों दशानंद जी, माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हमका जी, हमका कहो भैया कैसे, मतलब समझ रहे हो, रावण से फोन कॉल पर बात करना। आई मीन रावण, आप तो अच्छे तरीके से समझते होगे। राम 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 राम। भाई माफ करना यार, क्या बोलूं मैं, ऐसे लोगों को सुनने के लिए 10 लाख लोग आते हैं दूर दूर से। जंजीर से जकड़ा जाए ने हे सन्यासी बाबा। पब्लिक पर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कुछ लोगों को पैसा देकर लाया जाता है, ये भी मुझे रिसर्च के टाइम पता चला, वीडियो देखो आप। जंजीर से जकड़ा जाए ने हे सन्यासी बाबा। अबे कौन धक्का मारा बे, दिख नहीं रहा यहाँ परफॉर्मेंस चल रहा है, कैरेक्टर ब्रेक कर दिया। तनिक पहले बाल थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। भौजी तनिक पानी तो पी लेना, दो एक्टिंग कर दू, ये प्यास नहीं लगता का, 2 मिनट रुक जाइबू तो का हुई। और ये सब लोग मिलकर लाखों लोगों का चूनी बेवकूफ बनाते हैं भाई, कॉपीराइट आ जाएगा। ऐसे तो मैं ज्यादा डिटेल्स में इस वीडियो में नहीं घुसा हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत गंदा तरीका से डिटेल्स में घुसाऊंगा, चाहे मुझे जितना भी अंदर घुसना क्यों ना पड़े। तो मैंने इस वीडियो को देखकर एक्सपायर होकर आपको इस वीडियो में इस थोड़ा थोड़ा सा कॉन्टेंट मैंने बताया है। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना।